हेलो जी, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप? सबके हाल चाल सब बढ़िया सब मौज? तो इस वीडियो में हम एक नए इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बैंजो। आपने कई सारे वीडियोस में इंटरनेट के ऊपर इसको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो पियानो के अलावा आज इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है कहीं, अगर आप इसका शौक़ रखते हैं या फिर आप इसको बजाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि समझ लीजिए आपके सामने बैंजो पहली बार आता है और अगर आपको इसको बजाना है, अगर आपको थोड़ा बहुत पियानो आता है पहले से, थोड़ा बहुत म्यूज़िक का थोड़ा बहुत सेंस है पहले से, तो किस तरीके से आप बैंजो को समझ सकते हो और उसे बजाना सीख सकते हो। एकदम शुरुआत से, बेसिक से हम शुरू करेंगे, एकदम नए बंदे को समझ कर उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर हमारे पास नीला कलर ब्लू कलर में बैंजो है, जो कि है द कमलेश बैंजो, मतलब अपना खुद का बैंजो। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप जन गण मन राष्ट्रीय गान बजा सकते हो, सीख सकते हो बहुत ही आसानी से, और एकदम शुरुआत से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के ऊपर बने रहिएगा एंड तक, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसके एक एक टूल को, एक एक इसमें फीचर्स को, कि किस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो आसानी से। सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करें तो फिर बाद में यहाँ पे आपको राइट हैंड से पिक पकड़नी होती है सिंपल, और यहाँ पे जो हैंड स्टैंड है उसके ऊपर अपनी हथेली को यहाँ पे इस तरह रखना होता है। यहाँ पे टोटल बैंजो में 14 तार होती है, यहाँ पे 8 ये स्वरमंडल की तार, इन 4 तालों को झाला कहते हैं, जो कीबोर्ड में कॉर्ड प्ले होता है तो इसको एक साथ स्ट्रम करने में कॉर्ड जैसी आवाज़ आती है ना। किसी भी पर्टिकुलर कॉर्ड को आप यहाँ पे चाबियों से ट्यून कर सकते हो। इन 14 तारों की यहाँ पे 14 चाबियाँ दी गई हैं, जिसे हम ट्यूनिंग पैक कहते हैं, 1 2 3 4। हर स्ट्रिंग को आप हर चाबी के थ्रू अलग अलग नोट के ऊपर ट्यून कर सकते हो, जैसे नॉर्मली पियानो पे हर नोट डिफरेंट नोट है अलग अलग की के ऊपर, तो उसी प्रकार इसमें भी हर स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग नोट को आप हर चाबियों से ट्यून कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझनी तो आप मेरे को नीचे कमेंट करें, हम इसके ऊपर भी कुछ कुछ ट्यूटोरियल आते रहेंगे, पियानो के ऊपर भी, तो दोनों भाई बहन की तरह मिक्स मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक मेन तार है, एक बेस तार है, जो थोड़े ऊंचे होते हैं जिनमें मेन साउंड होता है। ये मेन तार, ये अपना बेस तार, इसकी आवाज़ थोड़ी बेस भरी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी लो होती है, है ना, और ये मेन तार। तो इस तरीके से इनका साउंड होता है, काफ़ी प्यारा, आपने कहीं ना कहीं सुने होगा। इसके जो इस साइड के नोट्स हैं वो उनके उनमें थोड़ा गैप ज़्यादा ज़्यादा होता है, इस साइड के नोट्स में थोड़ा गैप कम होता है, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा गैप गैप गैप, फिर बाद में थोड़े नोट्स भरे 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 होते हैं, यहाँ पे एंड पे थोड़े ज़्यादा भरे भरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिससे लोअर साइड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, बीच में मीडियम, ऊपर की तरफ तेज, पिच इनका हाई। तो ये हो गया सिंपल बैंजो का डेमोस्ट्रेशन। और अगर आपको इस बैंजो को वीडियो देखने के बाद में अगर आपको सीखना है, ख़रीदना है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें मेरे 2 बैंजो अवेलेबल है, ब्लू कलर में, रेड कलर में, जो आपको पसंद आए आप देखें। और इन बैंजो के साथ आपको बॉक्स मिल जाता है, इसका हाई केस, फ्लाइट केस, और इसके साथ कुछ पिक, कुछ तारें, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसी कुछ चीज़ें, और उसी के साथ फ्री लर्निंग ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बेसिक इसका समझा दूंगा जितना मुझे आता है, और डे बाय डे मैं भी इसमें सीख रहा हूं, तो फ्यूचर में हम भी इसके और नई नई चीज़ें मुझे भी जानने को मिलेगी, जैसे जैसे मुझे पता चलेगी मैं आपको बताता रहूँगा, है ना, वो तो है ही। चलिए, तो यहाँ पे नॉर्मली इसका सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग को प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो पिक को पकड़ा ऐसा, अपने हाथ को यहाँ पे हैंड स्टैंड के ऊपर रखा, और फिर जो मेन स्ट्रिंग है उसके ऊपर हल्की सी तार को छेड़ दिया, मतलब स्ट्रम कर दिया हल्का सा, है ना, आवाज़ आ गई, बहुत बढ़िया। अब इनमें से किसी भी नोट को आपको प्रेस करना है और फिर तार को छेड़ना है, तो कोई डिफरेंट नोट यहाँ पे साउंड करता है। हर बटन को जब आप जैसे ही प्रेस करते हो तो कोई डिफरेंट नोट साउंड करेगा, ये डिफरेंट नोट्स कौन से नोट्स हैं, इन्हें जानने के लिए आप इस बैंजो को पियानो से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पियानो के ऊपर ऊपर के नोट्स होते हैं जो वो ब्लैक कलर के होते हैं, नीचे के नोट वाइट कलर के होते हैं, उसी तरह बैंजो में कुछ ऊपर के नोट्स होते हैं और जस्ट उसके कुछ नीचे के नोट्स होते हैं। आप ध्यान देंगे तो इनका स्ट्रक्चर भी पियानो की तरह बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल मैं इस नोट को पकड़ता हूँ, तो ये नोट आप सी शार्प से कनेक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए इसके जस्ट बाद में एक और नोट है जो ऊपर की तरफ है, फिर गैप है दो नोट का, फिर से एक नोट ऊपर, फिर से एक नोट का गैप, फिर से ऊपर, फिर से एक नोट का गैप, फिर से ऊपर, तो यहाँ पे आप 5
बटन देख सकते हो जो ऊपर की तरफ है। पियानो में भी सेम इसी तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैं थोड़ा सा इसको इधर करूँ तो 1 2 3 4 5, इन्हें हम शार्प नोट गिन सकते हैं। जो ऊपर की तरफ के जो जितने भी नोट्स हैं बैंजो में, ये इन्हें आप शार्प नोट देख सकते हैं। तो जिसमें ये हो गया सी शार्प, ये डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, अगेन सी शार्प, अगेन एफ शार्प, सी शार्प के नीचे सी, डी शार्प के नीचे डी। आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हो जिसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से नोट को आप किस नाम से जान सकते हो। ठीक है, इन्हें पॉज करके स्टडी करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरी एप्लीकेशन में आपको स्टडी मटेरियल में इसकी जो डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर अलग अलग नोट के अलग अलग नाम हैं। अगर आपने पहले कभी पियानो सीखा है या फिर समझा है, नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं, हर नोट के जितने नाम हैं उस हिसाब से नोटेशन है इनकी एक स्ट्रक्चर वे में, जो भी आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, द कमलेश मैजिकल की सो पियानो, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ पर इसके नोटेशन रहेंगे। तो आप जिस तरीके से वो नोटेशन आगे बढ़ते हैं उस तरीके से आप इसमें जन गण मन नेशनल एंथम को प्ले कर सकते हो। चलिए इजी, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरीके से आपको जन गण मन बजाना है स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी बटन को प्रेस करें तब आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को स्ट्रम करना है इस तरह, है ना। अगर आप एकदम नए हैं तो सबसे पहले एक एक नोट को, हर नोट को प्रेस करके देखें, चेक करें कि आप सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे तार को छेड़ रहे हो, एग्जैक्ट टाइम पे बटन को प्रेस कर रहे हो, नहीं तो अलग सी आवाज़ आ सकती है इस तरीके की, कुछ है ना, ऐसा कुछ भी हिलती हुलती सी। तो चलिए जन गण मन देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम सी शार्प स्केल, हमारा सी शार्प मेजर स्केल प्ले करते हैं। लेफ्ट हैंड से आपको बजाना है, राइट हैंड से स्ट्रम करना है, गिटार के जैसे ही, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है लेफ्ट हैंड से नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, इसके जो कीज़ का जो गैप है पूरा डिफरेंट है, केशियो के मतलब कीबोर्ड के जो कीज़ का गैप है पूरा डिफरेंट है, इसलिए आपके लिए राइट हैंड भी उतना ही नया रहेगा, लेफ्ट हैंड भी उतना ही नया रहेगा, ठीक है। आपको नोटेशन तो मिल ही जाएंगे पूरे गाने के, ठीक है, नॉर्मल वही पियानो वाले नोट्स, ठीक है। अब इस नोट के ऊपर पियानो पे तो हमें बार बार बजाना रहता है ना, लेकिन इसमें एक नोट को अगर आपको मल्टीपल टाइम बजाना है तो उतने टाइम आप स्ट्रम कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सेम उसी स्ट्रक्चर को आपको एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन को सीखना है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको फट से एक एक बार मैं बजा रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मली सबसे पहले आप बजाना सीखें कौन से नोट को किस तरीके से प्ले होता है, फिर गाने आम बात रहेगा किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट पर बजाना। तो आपका सबसे पहला गाना आपका सबसे मुश्किल गाना होगा, उसके बाद में आसान होते जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और एक एक नोट को सही समझ समझ के बजाएं, ठीक है। यहाँ पे ये बैंजो नया नया ही है बना, इसलिए इसकी जो स्प्रिंग है कुछ टाइट है, जितना ज़्यादा प्ले होगा उतना ये और फ्री होता जाएगा, किसी भी नई चीज़ की पहचान है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट लाइन, कमाल। तो इस तरीके से जो जनगणमन नेशनल एंथम है वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्ले होता है। मैंने एक बार में इसको प्ले करके बता दिया स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं, मुझे पता चले आप इंटरेस्टेड हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सही से समझने में, सीखने में। तो इसकी जो ऑल ओवर चीज़ें हैं फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये बैंजो है जिसमें 29 कीज़ हैं, इसकी जो
मेन स्ट्रिंग है, बेस स्ट्रिंग है, यहाँ से आपको कनेक्ट करना है, यहाँ से आप वॉल्यूम इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप इसको अमेज़ोन से बाई कर सकते हैं, जो कि ये मेरा ही बैंजो है, द कमलेश बैंजो, आप यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जिससे आप जिसमें आपको हाई क्वालिटी में फ्लाइट केस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आप अमेज़ोन पर जाके चेक जरूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं और इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक एम्पलीफायर चाहिए रहेगा, नहीं तो ये फिर बाद में बिना एम्पलीफायर के एकदम म्यूट बजेगा, जिससे इसका कोई वो असली साउंड आप नहीं पहचान पाओगे। इलेक्ट्रिक बैंजो है इसलिए एम्पलीफायर से चलेगा, और अगर आप एक नए इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत करना चाहते हो तो वेलकम वेलकम वेलकम। आगे मैं कोशिश करूँगा, आपकी रिक्वेस्ट आती रही तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं और अच्छी तरीके से समझाने की और इसको एक सही स्ट्रक्चर में बैठाने की, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में इसमें एक रेड कलर का जो बैंजो है उसमें भी मैंने कुछ कुछ बजाया है, अगर आपको उसकी टोन चेक करनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कुछ ऐसे वीडियो जिनमें शुरुआत की क्लिप आप देख के समझ सकते हो कि क्या मतलब किस तरीके से आपको बजाना है। मैं भी अभी स्टिल सीख रहा हूँ, तो कुछ भूल चूक माफ़ करिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक 11 मिनट तक देख रहे हो तो इंटरेस्ट तो आप में है ना। चलिए, कोई बात नहीं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।